आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि डीएनए की संरचना है वो कौन कौन सी, किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इस टॉपिक के अंदर बात करता हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है वो किस प्रकार की होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में मैं बात करूंगा। तो हमारा टॉपिक है पहला पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड की संरचना, पॉली न्यूक्लियोटाइड की संरचना, पॉली न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो पॉली न्यूक्लियोटाइड की संरचना है वो किस प्रकार से हमें बनानी है। सबसे पहले हम बनाते हैं पेंटो शर्करा। डीएनए में जो शर्करा है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। पांच कार्बन युक्त होती है तो ये बना दिए हमने पांच कार्बन, एक दो तीन चार, और ये हो गया पांचवा कार्बन। कौन सा कार्बन? पांचवा कार्बन। अब हमें पता है कि पांचवे कार्बन से जुड़ा है फास्फेट समूह, यहां तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह। कौन सा समूह है? फास्फेट समूह। अब दोबारा बनाइए, ये बन गई संरचना, ये बन गई संरचना। यहां देखो, यहां कार्बन नंबर एक दो तीन चार, अब देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये पांचवा कार्बन है वो फास्फेट समूह से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आगे बढ़ाते जाएंगे संरचना, ये तीसरे कार्बन से पी जुड़ा हुआ है और फिर दोबारा यही वही प्रोसेस हो जाएगी। इसमें यहां वन टू थ्री फोर, और ये हो गया पांचवा कार्बन। ये पांचवा कार्बन है वो जुड़ा हुआ है किससे? फास्फेट समूह से है वो जुड़ा हुआ है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, अनेक जो न्यूक्लियोटाइड है, अनेक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है वो मैंने बताया था। नाइट्रोजन ही चारक है, पेंटोस शर्करा है और फास्फेट समूह है। ये तो हो गई पेंटोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ये हो गया फास्फेट समूह है। कौन सा समूह है? फास्फेट समूह है। और यहां कार्बन नंबर एक यहां जुड़ा होता है नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षारक है वो जुड़ा होता है। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण है वो करते हैं। और देखो अनेक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, अनेक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड का है वो निर्माण करेंगे। अब यहां देखो, यहां हमें पता है कि ये कार्बन जो पाइंटो शर्करा का जो पांचवा कार्बन है, वलय का पांचवा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह है। क्या जुड़ा हुआ है? फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है इससे। और इसके तीसरे कार्बन से नीचे फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह? फास्फेट समूह। और इस वलय के पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनी क्षारक है वो जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजनी क्षारक है वो जुड़ा होता है। यहाँ पे ये नाइट्रोजनी क्षारक है वो जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने बताया था कि जो फास्फेट समूह है, फास्फेट समूह है वलय के पांचवे कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पे जो बंद होता है फास्फोएस्टर बंद होता है, फास्फोएस्टर बंद। और यहाँ पे देखो ये जो बंद है, यहाँ वलय का तीसरा कार्बन है वो वलय के पांचवे कार्बन के साथ में, यहाँ फास्फेट समूह से, ये तो तीसरे कार्बन से और ये पांचवे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो बंद होगा फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फास्फो डाइएस्टर बंद है वो पाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम बात ये करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना के अंदर जो मुख्य विशेषता है वो यही विशेषता पाई जाती है कि यहाँ पे पांचवे कार्बन से फास्फेट समूह पहले कार्बन से जुड़ा हो, पहले कार्बन से यहां जुड़ा होता है जी, जी का मतलब होता है नाइट्रोजनी बेस है वो जुड़ा होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है। किसकी संरचना? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है वो होती है। अब इसके बाद में मैं आगे बात करता हूं डीएनए की संरचना के बारे में कि डीएनए की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। डीएनए की जो संरचना के बारे में हम बात करेंगे, डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना, कि डीएनए की संरचना है वो किस प्रकार की पाई
जाती है। डीएनए की जो संरचना बनाएंगे हम, तो इसी प्रकार से देखो, पहले ये इसका फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद में यहां ये कार्बन वाले है, पूरी कार्बन वाले पाई जा रही है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, पांच नाम दे दिए। पांचवे कार्बन से जुड़ा है फास्फेट, नीचे यहां तीसरे कार्बन से 1 2 3, और इसके नीचे संरचना बना देंगे हम। ये संरचना बना दी दोबारा हमने, तो एक कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा कार्बन, ये पांचवे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां हम संरचना बनाएंगे, तो देखो ये बनाई हमने संरचना इसकी, तो ये इसका हो गया कार्बन नंबर 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया पांचवा कार्बन। कौन सा कार्बन? पांचवा कार्बन हो गया इसका। अब देखो इसमें यहां पहले कार्बन है उससे जुड़ा है जी, या है सी, और ये इनके मध्य जो बॉन्डिंग है वो त्रिबंध है। कौन सा बंध है इनके मध्य? त्रिबंध है वो पाया जा रहा है। कौन सा बंध है? त्रिबंध पाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे बनाते हैं हम संरचना, ठीक है। ये बनाई मैंने संरचना, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखो इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये हो गया पांचवा कार्बन। कौन सा कार्बन? पांचवा कार्बन हो गया। यहां देखो, यहां पांचवे कार्बन से जुड़ा हुआ है फास्फेट और यहां तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है फास्फेट। कौन जुड़ा हुआ है? फास्फेट है वो जुड़ा हुआ है। यहां फर्स्ट कार्बन से एडिनिन, यहां जुड़ा हुआ टी, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो डबल बॉन्ड है, वो पाया जाएगा। इसके बाद में आगे संरचना बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया इसका चौथा पांचवा कार्बन। कौन सा कार्बन? पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीसरे कार्बन से पी, यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच, पांचवे कार्बन से पी जुड़ा हुआ है। यहां देखो ये पांच कार्बन, ठीक है, यहां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन। यहां यहां जुड़ा पी, यहां पी, यहां देखो यहां दोबारा नीचे पी जुड़ जाएगा और यहां तीसरा कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? तीसरा कार्बन है, इसे नीचे पी जुड़ा होगा। यहां पे संरचना बना देंगे हम आगे, टी डबल बॉन्ड ए, टी डबल बॉन्ड ए। अब देखो इस डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि यहां पे ये पेंटोस शर्करा है, डीऑक्सी राइबो शर्करा, डीऑक्सी राइबो शर्करा की संरचना है। इसमें 1 2 3 4 5, पांच कार्बन है वाले की, पांचवे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? फास्फेट समूह। इसके नीचे वाला जो वाले का तीसरा कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है। इधर देखो यहां पे इसमें जुड़ा हुआ है ये नाइट्रोजनी क्षारक वलय के पहले कार्बन से, यहां वलय के पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है सी, साइटोसिन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? साइटोसिन जुड़ा हुआ है। तो यहां है ग्वानिन, जी को बोलते हैं ग्वानिन, सी को साइटोसिन। जी त्रिबंध, सी हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। फिर नीचे की ओर ए डबल बॉन्ड टी, ए का नाम है एडिनिन, टी का नाम होता है थाइमिन। ये हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा थाइमिन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार टी हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा किससे जुड़ा हुआ है? एडिनिन से जुड़ा हुआ है। तो डीएनए की संरचना में ये तो हो गई भी डीऑक्सीराइबो शर्करा, ये फास्फेट समूह हो गया। क्या हो गया? फास्फेट समूह। और ये हो गया नाइट्रोजनी क्षारक। क्या हो गया? नाइट्रोजनी क्षारक। अब डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है उस संरचना के बारे में हम विचार करते हैं कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वो किस प्रकार की है, वो पाई जाती है, उस संरचना के बारे में हम विचार करते हैं। देखो डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो इस संरचना के अंदर क्या है? देखो द्विरज्जु की होती है डीएनए की जो संरचना होती है इस प्रकार से, है ना। तो इस संरचना के अंदर देखो ए डबल बॉन्ड टी,
T11A इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। सी त्रिबान जी, जी त्रिबान सी, ए डबल वन टी। अब इसकी जो बाहरी लेयर रही इसमें फास्फेट समूह और पेंटोस शर्करा है वो पाई जाती है, डिऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, और वलय के भीतर है वो नाइट्रोजनी क्षारक है वो पाए जाते हैं। यहां देखो ये दो नाइट्रोजनी क्षारक है, क्रमागत जो नाइट्रोजनी क्षारक है इनकी जो बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी होती है सामान्यतः उस दूरी को हम बोलते हैं एनम, क्या बोलते हैं एनम दूरी बोलते हैं, यानी ये जो दूरी है वो होती है लगभग 0.34 nm, ठीक है। और यहां से लेके ये दूरी ये होती है 3.4 nm, और 1 nm बराबर होता है 10 angstrom, ठीक है, इसको पिच दूरी बोलते हैं। तो 34 angstrom इस ये कुल दूरी होती है 34 angstrom है वो पाई जाती है, ठीक है। इसका जो व्यास है ये व्यास ये 2 nm होता है, और 1 nm बराबर 10 angstrom, तो ये व्यास होता है 20 angstrom का व्यास पाया जाता है। इसका कितना व्यास होता है 20 angstrom का व्यास है वो पाया जाता है। मानव की जो द्विगुणित कोशिका है, मानव की जो द्विगुणित कोशिका है उसमें जो क्षारक युग्म होते हैं वो होते हैं 6.6 × 10^9 क्षारक युग्म, नाइट्रोजनी क्षारक युग्म द्विगुणित कोशिका में। और जो अगुणित कोशिका होती है, अगुणित कोशिका उसमें 3.3 × 10^9 क्षारक युग्म, क्षारक युग्म है वो पाए जाते हैं। कौन से युग्म पाए जाते हैं, क्षारक युग्म है वो पाए जाते हैं। ये डबल हेलिंग संरचना होती है, ये जो संरचना है डबल हेलिंग संरचना है वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा है वो दी गई थी। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इस संरचना का प्रतिपादन, इस संरचना की क्या विशेषता है, इस संरचना की विशेषता है जो डीएनए की संरचना वो डबल हेलिक्स होती है, द्विरज्जु की होती है, दो रज्जु पाए जाते हैं बाहरी वलय के अंदर, बाहरी वलय के अंदर पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह, और जबकि वलय के भीतर है वो पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षारक है वो पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या है सभी जीवों में है वो अलग अलग पाई जाती है, यह डबल हेलिंग संरचना है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनी क्षारक है ये सिरा अलग अलग होता है, इसका 5 end और 3 end सिरा पाया जाता है, जिसको हमें एग्जाम्पल के द्वारा है वो मैं स्पष्ट कहने जा रहा हूं, उसको ध्यान से आप समझेंगे। हमारा इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि डीएनए के, यदि डीएनए के एक रज्जुक का क्रम निम्न प्रकार से है, तो डीएनए के एक रज्जु का क्रम निम्न प्रकार से है, तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को, तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को लिखिए, पूरक रज्जु के अनुक्रम को आपको लिखना है, और इसमें जो दिशा दी हुई है वह है 5 end to 3 end दिशा में हमें है वो अनुक्रम है वो लिखना है। आपको इसमें दिया हुआ है 3 end और दिया है TAC और फिर दिया है GTA और ये दिया हुआ है 5 end, यानी जो पहला रज्जुक है उसका अनुक्रम है 3 end से 5 end, ठीक है। अब आपको दूसरे रज्जु का अनुक्रम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, दूसरे रज्जु का जो अनुक्रम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो दूसरे रज्जु का जो हम अनुक्रम है वो लिखेंगे, अच्छा अच्छा
इसमें आपको फाइव एंड से दिया हुआ है ये, सॉरी, तो इसमें हम ये प्रश्न है, इसमें फाइव एंड से आपको दिया हुआ है, फाइव एंड से ए टी, ए टी जी और सी ए टी, ये दिया हुआ है थ्री एंड की ओर, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो हम इसमें लिखेंगे इसकी दिशा थ्री एंड से फाइव एंड की ओर, थ्री एंड से फाइव एंड की ओर। हमें पता है ए जुड़ता है टी से और टी जुड़ता है ए से, जी जुड़ता है सी से, सी जुड़ता है जी से, ए जुड़ता है टी से, टी जुड़ता है ए से और इस पर लग देंगे फाइव एंड। ये दिशा हमारी किस ओर होगी, ये दिशा होगी थ्री एंड से फाइव एंड, फाइव एंड की ओर। लेकिन हमें अगला कह रहा है फाइव एंड से थ्री एंड की ओर लिखना है, तो इसको लिख दो फाइव एंड, फाइव एंड। अब फाइव एंड से लिखो इसको, फाइव एंड से हम लिखेंगे तो इस साइड से है वो लिख दो इसको क्रम को, इस साइड से इसके क्रम को हमें लिखना है, इस क्रम को हम लिख देंगे। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे लास्ट में हमें दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है जी सी ए टी ए सी जी टी ए सी जी। तो स्टार्ट कर दो लास्ट से ए टी जी सी ए टी और ये दिशा है फाइव एंड टू थ्री एंड। तो ये आंसर हो गया हमारा फाइव एंड ए टी, ए टी जी सी ए टी और थ्री एंड, क्या हो गया थ्री एंड की और ये दिशा हो गई इसकी, ए टी जी और सी ए टी होगी इस दिशा इसकी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर दो के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दो है हमारा वो इस प्रकार से है, मानव में डीएनए की लंबाई, क्वेश्चन नंबर टू, मानव में डीएनए की लंबाई, डीएनए की लंबाई याद कीजिए, डीएनए की कितनी लंबाई है, हमें डीएनए की लंबाई याद करनी है, ठीक है। अब डीएनए की लंबाई हम याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दो क्षारक युग्मों के बीच की दूरी बराबर होती है 0.34 nm, 0.3 nm होती है। अब इस दूरी को हम मीटर में बदल देंगे, तो हम मीटर में बदलेंगे तो 0.34 × 10⁻⁹ मीटर आ गया, यानी दो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच में ये दूरी है वो पाई जाती है। मानव की जो द्विगुणित कोशिका है, मानव की द्विगुणित द्विगुणित कोशिका में, द्विगुणित कोशिका में नाइट्रोजनी नाइट्रोजनी क्षारक युग्मों की दूरी, युग्मों की संख्या वो पाई जाती है 6.6 × 10⁻⁹, 9 क्षारक युग्म है वो पाई जाती है। अतः हमें डीएनए की लंबाई की याद करनी है तो इनको गुणा कर देंगे, तो 0.34 × 10⁻⁹ × 6.6 × 10⁻⁹, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, अब गुणा कर देंगे हम, 0.34 को 6.6 से गुणा करेंगे तो आएगा 2.2 मीटर, यानी मानव में डीएनए की जो लंबाई है वो 2.2 मीटर होगी। और इसका स्क्रीनशॉट है बोर्ड से आप ले सकते हैं। अब देखो हम आगे चलेंगे, अब हम पढ़ेंगे इरविन चारगोफ का तुल्यांकी नियम।
इरविन, चारगोफ, का, तुल्यांकी, नियम। इरविन, चारगोफ, का, तुल्यांकी, नियम पढ़े। नियम, इरविन चारगोफ ने क्या कहा? इस नियम के अनुसार द्विरज्जु की डीएनए या द्विरज्जु की आरएनए में प्यूरी नाइट्रोजनी क्षारकों की कुल मात्रा पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारकों की कुल मात्रा के बराबर है वो पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है? इरविन जो चारगोफ है वो ये कहता है कि द्विरज्जु की डीएनए और द्विरज्जु की आरएनए में प्यूरी नाइट्रोजनी क्षारकों की मात्रा है वो पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारकों के बराबर पाई जाती है। पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारकों के बराबर है वो पाई जाती है। ये नियम द्विरज्जु की आरएनए और द्विरज्जु की डीएनए पर ही लागू होता है, द्विरज्जु की डीएनए पर ही लागू होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ए बराबर होता है टी, यानी एडिनिन की कुल मात्रा साइटोसिन के बराबर, ये डीएनए में, ओके। और सी की कुल मात्रा है वो जी के बराबर पाई जाएगी। किसके बराबर पाई जाएगी? जी के बराबर है वो पाई जाएगी। या इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी जी बराबर सी प्लस टी, ठीक है। और ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस जी सी प्लस टी बराबर एक, बराबर एक होगा। इसमें कितना होगा? एक पाया जाएगा। आरएनए में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ए बराबर होगा यहाँ पे यू। आरएनए में क्या होगा? ए बराबर यू, सी बराबर जी है वो पाया जाएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि प्यूरी नाइट्रोजनी क्षारकों की कुल मात्रा है वो पिरिमिडीन के बराबर है वो पाई जाएगी। इसे ही हम कहते हैं इरविन चारगोफ का तुल्यांकी नियम है वो कहा जाता है, ठीक है। अब इसके एक दो क्वेश्चन है वो हम हल कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है एक द्विरज्जु की डीएनए में, क्वेश्चन नंबर एक, एक द्विरज्जु की, एक द्विरज्जु की डीएनए में, एक द्विरज्जु की डीएनए में एडिनिन की प्रतिशत मात्रा, एडिनिन की प्रतिशत, एडिनिन की प्रतिशत मात्रा 10% है, 10% है तो डीएनए में ग्वानिन को जी बोलते हैं, ग्वानिन की प्रतिशत मात्रा, ग्वानिन की प्रतिशत मात्रा याद करो, डीएनए की प्रतिशत मात्रा है वो याद करो। अब देखो इसे आपको द्विरज्जु की डीएनए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? द्विरज्जु की डीएनए, यानी इरविन चारगोफ का नियम है वो यहाँ पे लागू होगा। और एडिनिन की मात्रा दी हुई है आपको 10% और आपको पूछी गई है ग्वानिन की मात्रा है वो यहाँ पे पूछी गई है। किसकी मात्रा पूछी गई है? ग्वानिन की मात्रा है वो पूछी गई है। तो यहाँ पे इसकी मात्रा है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है ए प्लस जी बराबर होता है सी प्लस टी, ए बराबर टी और सी बराबर जी, ठीक है। ये नियम आपको पता ही है आपको। तो यहाँ पे देखो आप एक ही मात्रा है वो टी के बराबर, एक ही कितनी है 10%, तो टी की कितनी होगी 10%, ठीक है। अब हमें बताए ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी है, तो ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी, एक ही मात्रा 10 और टी की मात्रा 10%, और दोनों की ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी है तो जी की मात्रा 40 और सी की मात्रा भी 40, ये कुल मात्रा हो गई 50 और ये भी कितनी हो गई 50। तो यहां पे
हमें पूछी है ग्वानिन की मात्रा, तो ग्वानिन की मात्रा कितनी आएगी, 40% आएगी, कितनी आएगी 40% मात्रा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें दिया है एक दीर्घजू की, क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं, एक दीर्घजू डीएनए में, एक दीर्घजू डीएनए में 20% साइटोसिन है, 20% साइटोसिन, 20% साइटोसिन है, 20% साइटोसिन है, तो डीएनए में मिलने वाले, तो डीएनए में मिलने वाले एडिनिन, एडिनिन को हमें पता है ऐसे दर्शाते, एडिनिन की प्रतिशत मात्रा, डीएनए की प्रतिशत मात्रा याद करो, ठीक है। हमें पूछी गई है एडिनिन की प्रतिशत मात्रा है, वो पूछी गई है, तो हम इसकी मात्रा निकालेंगे, ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी। हमें किसकी मात्रा दी है, साइटोसिन की, साइटोसिन की कितनी है 20, तो जी की मात्रा भी होगी 20, ए की मात्रा 30, टी की मात्रा 30, ये 50 और ये भी कितनी होगी 50। हमें पूछा एडिनिन की मात्रा, तो एडिनिन की मात्रा है वो कितनी प्रतिशत होगी, 30% है वो पाई जाएगी। वर्ड से इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं, ले लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक लेंगे। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ध्यान से इसको देखेंगे आप, क्लास 12वीं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है डीएनए का। अब देखो हमें पता है जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र रूपी धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन यानी धागे के समान जो संरचनाएं हैं उन संरचनाओं को एक नाम दिया गया, क्रोमेटिन धागे के समान संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं। अब ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं इन क्रोमेटिन धागों के समान संरचना, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की संरचना। अब इसको देखो हम समझते हैं, ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। अब देखो ये दो क्रोमेटिन धागे के समान संरचना है, ये पहली संरचना है, इसका नाम हमने दिया यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, और दूसरी जो स्ट्रक्चर है इसको नाम दे दिया हमने हेटेरो क्रोमेटिन, हेटेरो क्रोमेटिन संरचना। अब देखो इन दोनों संरचनाओं की क्या विशेषता है, इन संरचनाओं की विशेषता है कि ये क्रोमेटिन धागे के समान संरचना है, पहली संरचना का नाम है यूक्रोमेटिन और दूसरी स्ट्रक्चर का नाम है हेटरोक्रोमेटिन। तो पहली संरचना के बारे में मैं बात करता हूं, यूक्रोमेटिन संरचना। यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो धागे के समान, धागे के वह भाग होते हैं जो पतले पतले और कम कुंडलित होते हैं, पतले और कम कुंडलित होते हैं ये, और ये जो भाग है वो आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं, आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय, यानी पतले धागे के समान संरचना है लेकिन आनुवांशिक रूप से ये अधिक सक्रिय होंगे। दूसरी संरचना है हेटरोक्रोमेटिन, जो ये संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना है वो संरचना है, ये क्रोमेटिन धागे के वह भाग होते हैं जो मोटे अत्यधिक कुंडलित गहरे अभिरंजित होते हैं और आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय होते हैं, आनुवांशिक रूप से ये हेटरोक्रोमेटिन है वो कम सक्रिय संरचनाएं है वो पाई जाते हैं।
क्रोमेटिन जो धागे हैं जगह जगह स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर, ठीक है देखो जो ये क्रोमेटिन धागे हैं वो जगह जगह स्टोन प्रोटीन से मिलकर एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना का नाम होता है न्यूक्लियोसोम। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में कि न्यूक्लियोसोम की संरचना है वो किस प्रकार की होती है और कैसे बनती है। देखो ये मैंने लिखा न्यूक्लियोसोम की संरचना। सबसे पहले मैं बात करता हूं न्यूक्लियोसोम होता क्या है। क्रोमेटीन धागे के समान संरचनाएं स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। यानी क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है। क्रोमेटिन धागे के समान संरचनाएं स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण है वो करते हैं। यानी न्यूक्लियोसोम का निर्माण है वो क्रोमेटिन धागे और स्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। किसे होता है, स्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। ये न्यूक्लियोसोम की जो संरचना है उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। अब मैं बात करता हूं न्यूक्लियोसोम की संरचना के बारे में। देखो न्यूक्लियोसोम की जो संरचना है उसमें कौन कौन सी स्टोन प्रोटीन है वो पाई जाती है, इसके बारे में हम बातें करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये मैंने इसकी संरचना बनाई, ठीक है। ये इसमें पहली स्टोन प्रोटीन है वो है H2A। दो मॉलिक्यूल है इसके, ये पहला मॉलिक्यूल और ये हो गया इसका दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये दूसरी स्टोन प्रोटीन है यहां पे, ये हो गई H2B और ये भी हो गई H2B हो गई। ये इसके बाद में तीसरी स्टोन प्रोटीन है, इस स्टोन प्रोटीन का जो नाम है वो S3। ये भी S3 और ये चौथी है स्टोन प्रोटीन है उसका नाम है H4 और ये भी हो गई H4। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी प्रत्येक स्टोन प्रोटीन है उसमें दो भाग होते हैं उसके, यानी कुल आठ होते हैं। ये 2, 4, 6 और 8 प्रकार के अष्टक मिलकर स्टोन प्रोटीन का निर्माण है वो करेंगे। अब देखो इसके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम है H1। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं सिलिंग प्रोटीन बोलते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताएंगे आपको। तो ये प्रोटीन है वो पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आगे बात करता हूं। यहां देखो ये DNA, ठीक है, ये है इसमें DNA। क्या है DNA, जो बना होता है 146 N2 क्षारक युग्म का, नाइट्रोजन क्षारक युग्म का बना होता है ये DNA, ठीक है। अब देखो इसे के अंदर और क्या विशेषता है, इसके अंदर इसका जो व्यास है वो है 5.5 एनएम इसका व्यास है वो पाया जाता है। लंबाई 11 एनएम है, इसकी लंबाई है वो है 11 एनएम, कितनी 11 नैनोमीटर है। और इसमें घुमाव है वो होता है 1/3/4 घुमाव है वो पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर आपकी होती है न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम। यानी कहने का मतलब है सिंपल सा इतना ही है
कि न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसमें होता क्या है, जो क्रोमेटिन धागे के समान जो संरचनाएं होती हैं वो स्टोन प्रोटीन के साथ में मिलकर न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर बनाती है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें कौन कौन सी स्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। हमें पता है गुणसूत्र की जो इकाई, गुणसूत्र की जो एक इकाई है उसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। गुणसूत्र की जो एक इकाई है उस इकाई को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहा जाता है उसको? न्यूक्लियोसोम है वो कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम को समझने के लिए 1974 में कोरेनवर्ग तथा थॉमस, 1974 में कोरेनवर्ग और जो थॉमस नामक वैज्ञानिक है उसने एक मॉडल प्रस्तुत किया गया। उस मॉडल का नाम रखा गया न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्या नाम रखा गया उसका? न्यूक्लियोसोम मॉडल रखा गया। इस मॉडल के अनुसार 146 नाइट्रोजनी क्षारक हैं युग्म युक्त डीएनए एक धनावेशी क्षारीय प्रोटीन से जुड़कर, क्षारीय प्रोटीन से जुड़कर क्या करता है? न्यूक्लियोसोम का निर्माण। देखो जो डीएनए होता है वो ऋणावेशित है और ये जो स्टोन प्रोटीन है वो होती है धनावेशित। कैसी होती है? धनावेशित है वो पाई जाती है, यानी डीएनए पर जो चार्ज पाया जाता है वो ऋणावेश होता है। कौन सा चार्ज होता है? ऋणावेश होता है। और स्टोन जो प्रोटीन होती है उसके ऊपर धनावेश पाया जाता है। कौन सा आवेश होता है? धनावेश पाया जाता है। अब होता क्या है कि जो डीएनए है वो स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर जिस स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर का नाम होता है न्यूक्लियोसोम। क्या होता है? न्यूक्लियोसोम, जो प्रस्तुत किया था 1974 में कोरेनवर्ग तथा थॉमस नामक वैज्ञानिक ने ये मॉडल है वो प्रस्तुत किया था। इस मॉडल में जो मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार से है। देखो इस स्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4 इन सभी अणु के दो दो अणु मिलकर 8 अणु की एक इकाई बनाते हैं जिसे स्टोन अष्टक कहा जाता है। ये होता है इसमें स्टोन अष्टक। दो दो अणु है सभी के, सभी प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल हैं? दो दो मॉलिक्यूल हैं वो पाए जाते हैं। एक ये 8 अणु मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोन अष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन अष्टक कहते हैं। धनावेशित क्षारीय प्रोटीन अष्टक के चारों डीएनए के 1/3/4 घुमाव पाए जाते हैं। स्टोन प्रोटीन H1 डीएनए को स्टोन अष्टक को बांधे रखती है। इस स्टोन अष्टक को बांधे रखने का जो फंक्शन होता है वो होता है H1 प्रोटीन। किसका? H1 प्रोटीन। इसलिए इस प्रोटीन को सीलिंग प्रोटीन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, सीलिंग प्रोटीन कहने का रीजन इसका होता है कि ये इस स्टोन अष्टक को बांधे रखने का कार्य है वो करती है। स्टोन प्रोटीन को क्षारीय अमीनो एसिड आर्जिनिन तथा लाइसिन की अधिकता है वो पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है जो न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है वो न्यूक्लियोसोम मॉडल 1974 में कोरेनवर्ग तथा थॉमस के द्वारा है वो प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल की विशेषता क्या होती है कि इस मॉडल की विशेषता है कि डीएनए और स्टोन प्रोटीन है वो आपस में मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। इस इकाई को ही कहा जाता है न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम। इसमें जो प्रोटीन है वो 5 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसमें स्टोन प्रोटीन में H2A, H2B, H3 और H4 और H1। यहां पे जो 4 प्रोटीन है H2A, H2B, H3 और H4 इनके दो दो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और ये स्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। और इस स्टोन अष्टक को बांधे रखने वाली प्रोटीन होती है H1 प्रोटीन। इसलिए इस प्रोटीन को बोलते हैं सीलिंग प्रोटीन, यानी इनको आपस में बांधे रखने वाली प्रोटीन का नाम है सीलिंग प्रोटीन है वो कहा जाता है इनको, ठीक है। और इसमें 146 नाइट्रोजनी क्षारक युग्म है वो पाए जाते हैं। ये जो संरचना है वो है न्यूक्लियोसोम की संरचना। इसकी संरचना है न्यूक्लियोसोम की संरचना है वो पाई जाती है, ठीक है।
और इसको बोर्ड पर ध्यान से देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, अब हमने जो पढ़ा है पीछे उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आज का हमारा जो टॉपिक था वो था पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करते हैं कि पॉली न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होता है। देखो, पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण है वो कैसे होता है, न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड, अनेक न्यूक्लियोटाइड हैं वो मिलकर, अनेक जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो मिलकर बनाते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फास्फेट समूह बराबर न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है इसे मिलकर, और अनेक न्यूक्लियोटाइड है वो मिलकर क्या बना देंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं डीएनए की संरचना के बारे में, डीएनए की संरचना। तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें ध्यान रखना है, ये पहला, ये पेंटोज शर्करा है, कौन सी शर्करा है, पेंटोज शर्करा है, ठीक है। ये पेंटोज शर्करा में ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तीन चार पांच, ये पांच इस वलय में पेंटोज शर्करा जो डीएनए में होती है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा है वो पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4 और ये पांचवा कार्बन, कितने हो गए, पांच। देखो जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है उसका अणुसूत्र होता है C5H10O4 होता है, C5, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है इसमें, पांच। अब देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन से जुड़ा होता है फास्फेट समूह, यहां पे जो बंद होता है उसका नाम होता है फास्फोएस्टर बंद, फास्फोएस्टर बंद। नीचे जो थर्ड कार्बन होता है इससे जुड़ा होता है यहां फास्फेट, क्या जुड़ा होता है, फास्फेट जुड़ा होता है इससे, ठीक है। ये वही 2, 3, 4 और ये पांचवा कार्बन, और ये पांचवे कार्बन से दोबारा यहां फास्फेट जुड़ा हुआ है, ये जो बंद होता है इसका नाम होता है फास्फोडाइएस्टर बंद, फास्फोडाइएस्टर बंद होता है इसका नाम, ठीक है। यहां देखो, ये इसका पहला कार्बन है, ये इसका पहला कार्बन है, यहां जुड़ा हुआ है जी और यहां जुड़ा हुआ है सी, इन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक है वो जुड़े होते हैं कहां पे, वो जुड़े होते हैं वलय के अंदर जुड़े हुए, यहां पे जो बंद होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बंद बोलते हैं इसको, एन ग्लाइकोसाइडिक बंद, और यहां पे जो बंद होता है इस बंद का नाम होता है हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन का त्रिबंध है ये, हाइड्रोजन का त्रिबंध पाया जा रहा है। यहां नीचे हम बनाते हैं संरचना, ये बनाई हमने संरचना, इसमें कार्बन परमाणु नंबरिंग 2, 3, 4 और ये हो गया पांचवा, यहां जुड़ा हुआ पी
और यहां भी जुड़ा हुआ है P, ठीक है। अब यहां देखो, यहां फर्स्ट कार्बन है A, ये D, ये हाइड्रोजन का होगा डबल बॉन्ड, क्या होगा डबल बॉन्ड। तो यहां पर मैंने बताया कि कुल जो बंध होते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर में वो 5 प्रकार के बंध होते हैं। सबसे पहले बंध की बात करता हूं, 1 नंबर डीएनए संरचना में, इसका नाम है फॉस्फो एस्टर बंध। ये दूसरा जो बंध है इसका नाम है फॉस्फो डाई एस्टर बंध, ठीक है। चौथा बंध, तीसरा बंध है ये एन ग्लाइकोसाइडिक, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये जो बंध होता है हाइड्रोजन बंध, यहां जी ए के साथ में जिस बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है उस बंध का नाम है हाइड्रोफोबिक बंध। तो ये हो गया चौथा और ये हो गया पांचवा बंध। इस प्रकार से जो डीएनए की जो संरचना है वो पाई जाती है, यानी जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर ये 5 प्रकार के बंध हैं वो व्यवस्थित होते हैं, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेश्चन आए, जैसे आ जाए, तो उसको हम कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन है द्विरज्जुक, द्विरज्जुक डीएनए में ए एडिनिन की प्रतिशत मात्रा 30% है, तो जी की मात्रा याद कीजिए। जी की मात्रा है वो आपको याद करनी है, फटाफट निकालो इसको। अब देखो इसको बोर्ड पर ध्यान से, आपको दिया हुआ है एक की मात्रा है 30%, ठीक है। अब हमें पता है ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी, ठीक है। एक की मात्रा जी के बराबर है, तो ए की है 30, तो जी की भी कितनी होगी 30। ए की मात्रा आपको दे रखी है 30%, कितनी दे रखी है 30% है वो मात्रा दे रखी है आपको, ए प्लस जी, ए प्लस है जी, ए की मात्रा होगी टी के बराबर। ए की मात्रा होगी टी के बराबर, तो टी की मात्रा कितनी हो जाएगी 30, ये आ गई 20 और ये 20, 50 और 50 एक। तो यहां पे जो जी की मात्रा है वो हमारे पास में कितनी है 20% है, कितनी है 20% है वो पाई जाती है, देख लो फटाफट। अब एक क्वेश्चन और हम आगे करते हैं। और ये डीएनए के रज्जु से संबंधित प्रश्न होगा ही, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए के एक रज्जु, एक रज्जु का अनुक्रम है निम्न प्रकार से है, ठीक है। फाइव एंड से दे रखा है ए जी सी टी, ठीक है, और थ्री एंड की और आपको पूछा, तो
पूरक रज्जु का अनुक्रम, पूरक रज्जु का अनुक्रम थ्री एंड से फाइव एंड की ओर क्या होगा? अब हमें बताया कि डीएनए में कितने रज्जुक होते हैं? दो रज्जुक पाए जाते हैं। कितने रज्जुक पाए जाते हैं? दो रज्जुक। एक की दिशा फाइव एंड से थ्री एंड की और दूसरी की दिशा थ्री एंड से फाइव एंड की ओर है वो पाई जाती है। अब ये दिशा है वो किस प्रकार से होती है, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखोगे कि इसमें आपको पता है, इसमें आपको ये पता है कि इसमें कि डीएनए का जो पहला वलय का पहला कार्बन है, पहला जो कार्बन होता है वो किससे जुड़ा होता है? वलय का पांचवा कार्बन है वो फास्फेट समूह से जुड़ा होता है, और नीचे का तीसरा वलय का तीसरा कार्बन है वो फास्फेट समूह से जुड़ा होता है। तो ये तो दिशा हो गई फाइव एंड से थ्री एंड की, और दूसरी ओर जो दूसरा रज्जु होता है उसमें विपरीत दिशा होती है थ्री एंड से फाइव एंड की, और दिशा है वो पाई जाती है। तो इसमें लिखेंगे थ्री एंड ये डेस। अब देखो ए हमेशा किससे जुड़ता है? टी से। जी हमेशा किससे जुड़ता है? सी से। सी हमेशा जुड़ता है जी से, और टी हमेशा जुड़ता है ए से, और ये डेस और ये फाइव एंड। क्या हो गया? फाइव एंड। ठीक है, अब देखो इस को हम प्रश्न को हम समझेंगे कैसे कि इसमें ये दिशा है वो किस प्रकार से है वो पाई जाती है। दिशा को हमें समझना है वो इम्पोर्टेंट है, दिशा को समझना इम्पोर्टेंट है। कैसे समझेंगे? देखो ध्यान से बोर्ड पर हम देखेंगे इसको, तो हम समझेंगे इसको। इसमें देखो फाइव एंड, ठीक है, ये दिया ए जी सी और टी थ्री एंड की, और दूसरा हमें अनुक्रम पूछा है पूरक रज्जु दूसरे रज्जु का, तो वो थ्री एंड से स्टार्ट हो गया। ए हमेशा जुड़ता है टी से, जी सी से, सी जी से और टी ए से। अब यदि इसी प्रश्न में आपको ये पूछा जाता कि दिशा है फाइव एंड से थ्री एंड की ओर, फाइव एंड से थ्री एंड की ओर बनाइए, तब इसका आंसर हम निकालते। ये तो आ गई थ्री एंड से फाइव की ओर, अब इधर से लिख देंगे ये फाइव एंड और ये थ्री एंड। तो लिखो ए जी सी और टी, ए जी और सी टी, ये इसकी दिशा है वो हो गई थ्री एंड फाइव एंड से थ्री एंड की ओर। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है उसका और बता देता हूं, न्यूक्लियोसोम। देखो न्यूक्लियो जो सोम है वो होता क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है उसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। न्यूक्लियोसोम का मतलब ये होता है कि जो क्रोमेटिन धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं केंद्रक के अंदर, वो दो प्रकार की है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन है वो पतले होते हैं अधिक सक्रिय होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन है वो मोटे होते हैं और कम सक्रिय पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जो क्रोमेटिन धागे के समान संरचनाएं जिन्हें हमें डीएनए कहते हैं, डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन, डीएनए और स्टोन प्रोटीन मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, उस संरचना को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं उस संरचना को? हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहा जाता है उस संरचना को। क्या कहा जाता है उस संरचना का नाम होता है न्यूक्लियोसोम। और इसमें स्टोन जो प्रोटीन है इसमें हमें याद करना है एस टू ए, एस टू बी, एस थ्री और एस फोर, और लास्ट होती है एच वन। ये प्रोटीन है वो पाई जाती हैं। पांच प्रोटीन है एस टू ए, एस टू बी, एस थ्री और एस फोर और एच वन। ठीक है, डीएनए है उसमें 146 एन टू
क्षारक युग्म पाए जाते हैं, N2 क्षारक युग्म है वो पाए जाते हैं, यानी डीएनए और स्टोन प्रोटीन है वो मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोसोम का निर्माण है वो करेंगे। और ये निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, इसको सबसे में हम जानेंगे न्यूक्लियोसोम की संरचना में। अब देखो बहुत इजी है, इसमें सबसे पहले जो प्रोटीन के दो दो अणु होते हैं, जैसे H2A, ये लिखा H2A, पहला मोलिक्यूल हो गया, दो मोलिक्यूल हो गए दो अणु, ठीक है। अब लिखा H2B, ये लिखा H2B, H2B प्रोटीन है, इसके भी दो मोलिक्यूल हैं, कितने मोलिक्यूल हैं, दो। अब आएगी तीसरी प्रोटीन जिसका नाम है H3, इसके भी कितने मोलिक्यूल हैं, दो मोलिक्यूल हैं। फिर आएगी चौथी, इसको H4, और ये हो गई आपकी H4। और ऊपरी ऊपर यहां पे पाई जाती है एक प्रोटीन H1 प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है, H1 प्रोटीन पाई जाती है, जिसका नाम मैंने बताया था सिलिंग प्रोटीन। सिलिंग प्रोटीन यानी कहने का मतलब है H2A के दो मोलिक्यूल, H2B के दो मोलिक्यूल, H3 के दो मोलिक्यूल और H4 के मोलिक्यूल, 2, 4, 6 और 8, ये हो गया आपका स्टोन अष्टक। क्या हो गया, स्टोन अष्टक। अब इसके बाद में जो डीएनए है, डीएनए इसमें 146 N2 क्षारक युग्म, N2 क्षारक युग्म है वो मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, डीएनए का निर्माण कर रहे हैं। अब डीएनए उस पर इस प्रकार से लिपटा है और ये दोनों संरचनाएं हैं, उसका नाम हो गया न्यूक्लियोसोम। क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम। यानी कहने का सिंपल सा अर्थ हमारा ये है कि जो न्यूक्लियोसोम है जिसमें डीएनए और स्टोन प्रोटीन है वो मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, वो निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोसोम का। किसका निर्माण कर रहे हैं, न्यूक्लियोसोम का निर्माण है वो कर रहे हैं। अब देखो आज हमारा जो टॉपिक था वो डीएनए की संरचना के बारे में था। किसके बारे में था, डीएनए की संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया कि डीएनए की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, डीएनए से संबंधित जो आंकिक प्रश्न थे उनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक वो चर्चा की है। अब हमें इसमें मैंने दो टॉपिक है वो करवा दिए, पहला तो था डीएनए और दूसरा हो गया डीएनए की संरचना। आगे के टॉपिक में हम डीएनए की खोज के बारे में बता करेंगे कि जीव में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्यों कार्य करता है, प्रोटीन है, आरएनए है, उनको आनुवंशिक पदार्थ की संज्ञा है वो क्यों नहीं दी जाती है, इसका रीजन क्या होता है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक है वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा उस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर, जैसे मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना, उसके बाद में अगला टॉपिक लिया है डीएनए की संरचना, वाटसन जो क्रिक नामक वैज्ञानिक है उनकी संरचना के बारे में हमने बताया आपको विस्तार पूर्वक। उसके बाद में आगे है वो हमने चर्चा की है इरविन चारगोफ का तुल्यांकी नियम, इरविन चारगोफ का तुल्यांकी नियम। उसके बाद में हमने आगे जो चर्चा की है वो चर्चा की है न्यूक्लियोसोम की संरचना के बारे में अध्ययन किया है। तो इन पॉइंटों को आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है और ध्यान से आपको देखना है, यदि किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वो पूरा देखेंगे तभी आपको निश्चित रूप से वो फायदा होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम डीएनए की खोज के बारे में, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य क्यों करता है, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक वो चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसको ध्यानपूर्वक देखिए और आज के वीडियो में इतना ही। YouTube चैनल
को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना है ना भूलिए। सब्सक्राइब के पास में जो घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत वो प्राप्त हो जाएंगे। तो ओके।